आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट स्पेलिंग में दोबारा लिख देता हूँ, कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट हमारे पास दो है जो हमारे कोर्स में है। पहला है हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और दूसरा है हमारे पास परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हम बनाते क्यों हैं, इसके बेनिफिट्स या इसके यूजेस क्या हैं। बेनिफिट्स यूजेस, नंबर वन है फ्रॉड प्रिवेंशन। इससे अकाउंटिंग में कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, फ्रॉड की प्रिवेंशन होती है, यानी कि फ्रॉड को रोकने में मदद करता है। दूसरा इसका बेनिफिट यह है एरर डिटेक्शन, ये एरर को पकड़ने में हेल्प करता है, एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है हमारी एरर डिटेक्शन। तो उसके यूजेस हैं, ये बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो उसके ये दो एडवांटेजेस हैं, दो बेनिफिट हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो लेट स्टार्ट विद सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। लिखा मैंने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो देखो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने का तरीका क्या है, इसका मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट, इसी को फॉर्मेट बना लेता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस बीडी। इसका बैलेंस बीडी एक तरफ भी आ सकता है और दोनों तरफ भी आ सकता है, ये डेबिट पर भी आ सकता है और क्रेडिट पर भी आ सकता है। अगर आपको दो बैलेंसेस दिए हुए हों तो बिगर वन या ओनली वन, अगर आपको एक दिया हुआ हो तो यहाँ पर आएगा, अगर दो दिए हुए हों तो बड़ा वाला यहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। और ये कौन सा है, स्मॉलर वन, यानी कि जब दो के दो दिए हुए होंगे बैलेंस बीडी, तो छोटा वाला आपका इधर क्रेडिट साइड पे आएगा और बड़ा वाला आपका डेबिट साइड पे आएगा, और अगर एक ही दिया हुआ है तो वो आपका डेबिट साइड पर ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं डेबिट साइड पे हमारे पास क्या क्या आता है। डेबिट साइड पे जो हमारे पास पहली चीज़ आती है वो है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स आती है हमारे पास, यानी वो सेल्स जो मैंने उधार पे करी है, जिसके मैंने पैसे कस्टमर से नहीं लिए, कैश सेल्स नहीं आती, याद रखिएगा कैश सेल्स नहीं आती। देखिए मैंने कैश सेल्स लिखा, काटा कैश सेल्स नहीं आती, क्रेडिट सेल्स आती है, यानी जो कस्टमर को मैंने माल बेचा उधार पे जो भी, वो उधर डेबिट साइड पर आएगा। दूसरी चीज़ जो डेबिट साइड पर आती है उसका नाम है कैश रिफंड टू कस्टमर, यानी किसी कस्टमर ने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए, जब मुझे गलती से ज़्यादा पैसा देगा तो मैं वो पैसे उसको रिफ़ंड कर दूंगा, तो जो रिफ़ंड है कैश रिफ़ंड टू कस्टमर वो भी डेबिट साइड पर आएगा। तीसरी चीज़ वो आता है डिसऑनर्ड और अनपेड चेक। अनपेड चेक यानी कोई चेक बाउंस हो गया है तो वो इधर आएगा, किसी कस्टमर ने मुझे चेक दिया वो चेक बाउंस हो गया तो वो डेबिट साइड पर आएगा। चौथी चीज आती है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू कस्टमर। चौथी चीज आती है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू कस्टमर, यानी किसी कस्टमर ने मुझे लेट पैसे दिए, जैसे स्कूल में हम लेट फीस पे करते हैं तो स्कूल वाले हम पे पेनल्टी लगाते हैं, वैसे अगर किसी कस्टमर ने मुझे अगर लेट पैसे दिए तो उसमें पेनल्टी लगाता है
उस पर पेनल्टी लगाएंगे, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर, ओवर ड्यू कस्टमर, तो ये डेबिट साइड पर आ जाता है। क्रेडिट पे क्या आता है? क्रेडिट पर पहली चीज़ आती है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इन गुड्स, ये यहाँ पर आ जाता है। यानी किसी कस्टमर को मैंने गुड्स बेची और वो माल ख़राब निकला तो वो मुझे वापस कर देगा, तो यहाँ पर क्रेडिट सेल्स रिटर्न यहाँ पर आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो क्रेडिट पर आती है वो है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, डब्ल्यू ओ का मतलब होता है रिटर्न ऑफ। यानी कि कस्टमर मुझसे पैसे ले गए, किसी कस्टमर को मैंने माल बेचा और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, वो पैसे मेरे डूब गए, तो ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ यहाँ पर आ जाता। एक चीज़ होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो यहाँ पे नहीं आती। ये सवाल में दी भी होती है अक्सर एग्जामिनर ने बच्चों को टेस्ट करने के लिए कि बच्चे कहीं गलती तो नहीं कर रहे, तो याद रखिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आएगा यहाँ पे। देखिए मैंने लिख कर काट दिया, जैसे मैंने कैश सेल्स लिख कर काट दिया था कि ये नहीं आता, कटिंग कर दी थी, वैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बैड डेट्स जैसे लगता है दिखने में कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को और वो रिकॉर्ड कर देता है, तो ये चीज़ नहीं आती कंट्रोल अकाउंट में। नंबर थर्ड चीज़ वो आता है रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, इसको हम बैंक के नाम से भी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जिन कस्टमर्स को मैंने क्रेडिट पर माल बेचा उन्होंने मुझे वो माल, सॉरी उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, रिसिप्ट मतलब होता है पैसा आना, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, तो ये आ जाएगा रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर्स के नाम से। फोर्थ नंबर पे आते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा स्लैश सेट ऑफ। ये कॉन्ट्रा स्लैश सेट ऑफ मतलब क्या होता है, ये मैंने पहले ही बताया था जब मैं पेटी कैश बुक का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने वहाँ पर मेंशन किया था कि सेटलमेंट, यानी कि कस्टमर है और वो हमारा सप्लायर भी है, यानी एक बंदा है जिससे मैं माल ख़रीदता भी हूँ और जिसको मैं माल बेचता भी हूँ। इसकी बहुत सिंपल मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ और आपका एक बुटीक भी है। अब मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, आपसे मंथली मैं फीस लेता हूँ 15,000। अब मैं आपके आउटलेट पर आया और मैंने 15,000 की शॉपिंग कर ली, ना आपने मुझे अब तक फीस दी है और ना ही मैंने आपको आपके आउटलेट पर जो शॉपिंग करी है मैंने भी आपको उसकी पेमेंट नहीं करी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चले हम दोनों मिल गए इसकी सेटलमेंट कर लेते हैं, इसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं, तो इस केस में ना आप मुझे पैसे देंगे ना मैं आपको पैसे दूंगा, तो ये कहलाता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। फिर इसके बाद हम निकालते हैं बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी यहाँ पर भी आ सकते हैं और बैलेंस सीडी यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये नेचुरल बैलेंस है, यानी कि ये हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है और ये हमको अक्सर दिया हुआ होता है। ये एक बात याद रखिएगा, इसका नाम है, एक बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, देखिए ये बैलेंस सीडी जब डेबिट पर आ रहा होता है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, ये बात याद रखिएगा। और जो बैलेंस सीडी क्रेडिट में आ रहा होता है इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, यानी कि ये जो बैलेंस है ये आपका डेबिट बैलेंस कहलाता है। क्यों? कि जो सीडी जिस तरफ बीडी बनने होते हैं, जैसे ये सीडी यहाँ बीडी बनेगा और ये वाला सीडी यहाँ बीडी बनेगा, तो जिस सीडी को जिस तरफ बीडी बनना होता है इसको हम वो नाम देंगे। देखिए ये बैलेंस सीडी ये बीडी किस तरफ बनेगा, ये डेबिट साइड की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बैलेंस बीडी बनेगा, जबकि ये वाला बैलेंस सीडी जो है वो क्रेडिट पर जाके बैलेंस बीडी बनेगा, तो जिस तरफ बैलेंस बीडी बनना होता है हम इनको वही नाम देते हैं। तो ये है आपके सामने कंट्रोल अकाउंट, इसके इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन भी करेंगे। और ये आपका सेल्स लेदर कंट्रोल अकाउंट है। अब हम सीखते हैं परचेस लेदर कंट्रोल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। ये मैंने लिखा परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट,
यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन बनाया, यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन बना दिया। ऑर्डर लिखा मैंने बैलेंस बीडी, यहाँ पर भी लिखा मैंने बैलेंस बीडी, यानी कि दोनों तरफ बैलेंस बीडी आ सकते हैं। लेकिन अगर एक ही दिया हुआ हो, ओनली वन और बिगर वन, अगर दो दिए भी होंगे तो बड़ा वाला यहाँ पर आएगा, अगर एक ही दिया हुआ हो तो यहाँ पर आएगा, और अगर दो दिए हुए हो तो छोटा वाला इधर आएगा डेबिट साइड पर, स्मॉलर वन। इसकी वजह क्या है? देखिए, परचेस लेडर कंट्रोल अकाउंट जो है ना, ये लायबिलिटी हमारी, इसके नीचे लायबिलिटी की है, क्योंकि ये उन लोगों का अकाउंट बना रहे हैं जिन लोगों से मैंने माल खरीदा है उधार पर, यानी क्रेडिट सप्लायर्स का। और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की जो नेचर है, ये है एसेट की नेचर, ये कस्टमर्स है मेरे, क्रेडिट कस्टमर्स हैं, यानी कि इसमें मैं उन लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ जिन लोगों को मैंने उधार पे माल बेचा है, जिनको मैंने क्रेडिट सेल्स करी है, और यहाँ पे मैं वो रिकॉर्ड करता हूँ, उन लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में जिनसे मैंने उधार पे माल खरीदा है। तो यहाँ पे क्रेडिट में पहली चीज़ क्या आती है, यहाँ पर आ जाती क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, यानी कि वो परचेज जो मैंने उधार पे करी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है, उसका नाम है इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, यानी मैंने अपने सप्लायर को लेट पेमेंट करी और उन्होंने मुझे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो यहाँ क्रेडिट पर आ जाएगा। नंबर थ्री, कैश रिफंड फ्रॉम सप्लायर, यानी कि मुझे मेरे सप्लायर ने कैश रिफंड कर दिया, मैंने गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए होंगे उनको, तो उन्होंने मुझे रिफंड कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा। आप गौर करें तो परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है, ये काफ़ी हद तक मैच करती हुई है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड से। बस यहाँ पे सेल्स वाली चीज़ आ रही है और यहाँ पे परचेस से रिलेटेड चीज़ आ रही है, सप्लायर से रिलेटेड चीज़ आ रही है, मतलब कस्टमर से रिलेटेड चीज़ आ रही है, यहाँ पे सप्लायर से रिलेटेड चीज़ आ रही है। तो ये इसको याद रखने का एक आसान तरीका है। अब हम देखते हैं डेबिट साइड पर क्या चीज़ें आती हैं परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो पहली चीज़ आ जाती है, वो आती है परचेज रिटर्न, जिसको हम लोग रिटर्न आउटपुट भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न। नंबर टू यहाँ पे आ जाता है, वो है पेमेंट टू सप्लायर, यानी कि मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिए, ये बैंक के नाम से भी रिकॉर्ड हो सकता है, जिन लोगों से मैंने माल खरीदा था उधार पे उनको मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ वो यहाँ पे आती है कॉन्ट्रा स्लैश सेट ऑफ, यानी कि ये वही वाले अमाउंट आएगी यहाँ पे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड करी कॉन्ट्रा सेट ऑफ की, यानी जिन लोगों से मुझे पैसे लेने हैं और उन्हीं लोगों को मुझे पैसे देने भी हैं तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब एक और चीज़ है जो दोनों अकाउंट में आती है, वो उसका नाम है डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पर ले देता हूँ मैं नंबर फाइव, यहाँ पर आता है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर आता है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आप लोगों को याद हो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, तो ये मैंने डिस्कस किया था जब मैं पढ़ा रहा था कैश बुक, तो मैं थोड़ा रिवर्स लेकर चलता हूँ आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि डिस्काउंट हम लोगों ने कहाँ पर देखा था। तो अगर हम ऊपर चले जाएँ तो ये कैश बुक आ गई हमारी, कैश बुक के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये देखें डिस्काउंट, मैंने बताया था डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट की दो टाइप्स होती हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये हमको मिलता है अर्ली पेमेंट की वजह से, कि मैंने किसी कस्टमर को बोला कि आप जल्दी पैसे दें मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, या मैंने अपने सप्लायर को जल्दी पैसे दे दिए तो उसने मुझे डिस्काउंट दिया है। तो ये डिस्काउंट अलाउड जो है ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और डिस्काउंट रिसीव जो है ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिलता है और सेलर जो है डिस्काउंट अलाउ करता है।
तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है, ये वाला जो मैंने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिखा है, ये मैंने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे जल्दी पैसे दे दिए। और ये डिस्काउंट रिसीव है, ये मुझे मेरे सप्लायर ने दिया है क्योंकि मैंने इनको जल्दी पैसे दे दिए। फिर इसके बाद हम इसका बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। ये नेचुरल बैलेंस सीडी जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और ये हमको दिया हुआ होता है। अगेन ये जो बैलेंस सीडी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस और इसका नाम है क्रेडिट बैलेंस। तो आई होप कि आप लोगों को कंट्रोल अकाउंट समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चन करेंगे।